नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे 3:30 बजे की खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 2020 खबरें, यानी कि मध्य प्रदेश 2020 से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बचपन के शिक्षक से मुलाकात की। सीएम साय ने 94 साल के अपने शिक्षक राजेश्वर पाठक का पैर छूकर आशीर्वाद दिया और शॉल और श्रीफल देकर अभिनंदन भी किया। सीएम मोहन सरकार ने कलेक्टर्स की शक्तियों में इजाफा किया है। अब कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कदम उठा सकेंगे। ये आदेश 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर तक अमल में आएगा। भोपाल के शाहजहानाबाद थाने के वाजपेयी नगर से गायब 5 साल की बच्ची का शव मल्टी से बरामद हुआ है। बच्ची के शव मिलते ही लोगों में गुस्सा फूटा है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और साथ ही पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एमपी के ऊर्जा मंत्री, शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जिला अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन और रैन बसेरा जैसी जनसुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनसुविधाओं पर सभी का अधिकार होगा। भोपाल में 2012 में भर्ती हुए 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया। इस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरुष उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी। अब इन भर्तियों पर फिर से भर्ती होगी। धार जिले का सरदारपुर तहसील के रिंगनोद में करंट की चपेट में आने से 12वीं के 2 छात्रों की मौत की खबर। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रमेश कुमार आज सुबह रिंगनोद जनजाति सीनियर बालक छात्रावास पहुंचे। यहां पर उन्होंने घटना के संबंध में छात्रावास में रहने वाले बच्चों से बातचीत की, घटना की पूरी जानकारी भी ली। सरगुजा जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र मैनपाट में 3 माह के बच्चे की टीका लगने से मौत के बाद हड़कंप है। बच्चे के परिजनों ने टीकाकरण के बाद बच्चे की मौत का आरोप लगाया है। अब इसके बाद सरगुजा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जिला मुख्यालय के करीब 5 किलोमीटर दूर धनुआ सागर ग्राम में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने डिंडोरी समनापुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। तकरीबन 1 घंटे तक खाली बर्तन रखकर महिलाओं ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G अलायंस के साथ बैठक की है, जिसमें 6G टेक्नोलॉजी को जल्द भारत में लाकर इंटरनेट को और ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बैठक का नेतृत्व कर रहे सिंधिया ने कहा है कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं और अब 5G टेक्नोलॉजी के बाद 6G टेक्नोलॉजी इंटरनेट देश में लाने की तैयारी की जा रही है। जशपुर में हाथी के हमले से एक शख्स की मौत की खबर है, साथ ही एक शख्स घायल भी हुआ। जशपुर वन परिक्षेत्र के झरगांव में हाथियों का दल विचरण कर रहा। फिलहाल वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। रायगढ़ के जूटमिल थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रमेश तिवारी उर्फ बब्बू तिवारी बताया गया। खबर मिलते ही साइबर सेल प्रभारी अभिनव और जूटमिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज मौके पर पहुंचे। वारदात के इलाके में दहशत का माहौल है। रायगढ़ कोतरा रोड थाना क्षेत्र में हुई कार लूट की घटना को रायगढ़ पुलिस ने महज 3 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक सुलझा लिया। कार को रायगढ़ से बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जशपुर में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से दर्जनों पुलिया टूटकर बह गए। अब इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुलिया टूटने से कई हेक्टेयर धान का की जो फसल थी वो बर्बाद हो गया। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। कई गांव टापू में तब्दील हो गए। आवागमन बाधित होने से कई बीमार लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। बिलासपुर में युवक को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। चाकूबा जी के आरोपियों में 3 युवतियां भी शामिल है। छेड़खानी को लेकर युवक युवतियों में विवाद है। बीते 22 सितंबर को कोटा में हुई थी यह घटना और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब बरामद हुआ है, साथ ही वायरल भी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोटा पुलिस ने पूरी कार्यवाही की है। शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों से बंदर और कुत्ते के बीच खूब
चर्चा हो रही है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। वजह है एक बंदर का कुत्ते से दोस्ताना रवैया, ये काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। दमोह जिले के मडियादो इलाके में आए दिन अजगर सांप देखने को मिल रहा है। कल देर रात मडियादो में एक बगीचे में खड़ी कार के इंजन में अजगर देखा गया। इसके बाद विशेषज्ञों को बुलाकर उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया। ग्वालियर में 27 नर्सिंग होम ऐसे जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इन पर कड़ी कार्यवाही करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी नर्सिंग होम्स को नोटिस जारी करके एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सीएमएचओ को पहले भी निर्देश दिए गए थे कि निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद हो। टीकमगढ़ के बड़ागांव धसान के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर हरिराम अहिरवार ने बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया। इस काम में हरिराम और उसके परिवार को 15 साल लग गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस काम के लिए परिवार ने जमीन पर खुद ही कुआं भी खोदा। कुएं को खोदने में 4 साल का लंबा समय लगा। आज इनकी जमीन पर फलदार वृक्षों का बागीचा लहलहाता है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को लापता 5 साल की बच्ची का शव मिला। शव एक बंद घर की टंकी में मिला। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से में पथराव किया। मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बच्ची के लापता होने से तकरीबन 36 घंटे बाद शव की बरामदगी हुई। तलाश में तकरीबन 100 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। बड़वानी जिले की ठीकरी तहसील के कालापानी गांव में लोग बीमारियों से परेशान। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर घर से कोई ना कोई बुखार, सर्दी, खांसी की समस्या से परेशान। बीमार लोगों का अलग अलग जगहों पर इलाज भी चल रहा है। एनडीटीवी की टीम जब गांव में पहुंची तो लोगों ने बताया कि एक महीने से गांव में यही हाल। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम बदलने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क की जमीन को एक खास ग्रुप के नाम पर दर्ज किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि राजनगर के एसडीएम ने सब कुछ जानते हुए 2.8 एकड़ जमीन एक खास ग्रुप को दे दिया। अब इससे पन्ना नेशनल पार्क में बाघों को खतरा बताया जा रहा है। सवाल यहां ये उठ रहा है कि पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व की जमीन आखिर उसकी जो रजिस्ट्री थी वो कैसे कर दी गई। मुरैना में भारी बारिश के बाद अब जल भराव लोगों को परेशान कर रहा है। जिले के 1200 से ज्यादा मकान और 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर एक महीने से पानी जमा है। इससे लोगों को मकान धंसने का डर सता रहा है। साथ ही खेतों में खड़ी खरीफ की फसल भी खराब हो रही है। गंदे पानी से इलाके में डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं। प्रशासन पानी निकालने का आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन कार्यवाही का अभी भी इंतजार है। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में किसान को 11 साल के मुआवजे का इंतजार है। हैरानी की बात यहां यह है कि किसान को मुआवजा देने की रस्म अदायगी भी हुई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। दरअसल भूपेश बघेल सरकार के दौरान मंत्री ने उसे सिर्फ डमी चेक पकड़ा दिया था। मुआवजे का एहसान करते हुए तस्वीरें भी खिंचवा ली गई, लेकिन उसे ओरिजिनल चेक नहीं दिया गया। मामला जिले के गिरवानी गाँव का है और ये मुआवजा बांध निर्माण में कई जमीन के लिए किसानों को मिलना है। छतरपुर जिले में तकरीबन 150 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में। दरअसल सागर में हुए हादसे के बाद छतरपुर प्रशासन ने जर्जर स्कूलों की पहचान के आदेश दिए थे। जांच में तकरीबन 150 स्कूल ऐसे निकले जिन्हें पीडब्ल्यूडी भी जर्जर बता चुका है। इन सभी स्कूलों की लिस्ट जिला प्रशासन को भेजी जा चुकी है। आरोप है कि लिस्ट आने के बाद 2-3 स्कूलों में कार्यवाही भी की गई, लेकिन फिर भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बेमित्रा में पूर्व सरपंच के अवैध घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मामला देखकर तहसील के हाथी डोबे इलाके का पूरा मामला है। यहां पर पूर्व सरपंच सुनीता यादव ने अवैध तरीके से बनाए गए मकान पर बुलडोजर चला दिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत साजा के विधायक ईश्वर साहू से की है। अब इसके बाद जांच की गई और ये कार्यवाही हुई है। कार्यवाही के दौरान पूर्व सरपंच के घर का सामान बाहर फेंक दिया गया। में श्रमिकों के लिए 16 मॉडल रैन बसेरे बनेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह काम शुरू हो रहा है। मॉडल रैन बसेरों के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
हर रैन बसेरे में 100 बिस्तर की क्षमता होगी। ये इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में बनेंगे। उज्जैन, बुरहानपुर और खंडवा, देवास, रतलाम, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, छिंदवाड़ा, मुरैना, ग्वालियर में भी ऐसे रैन बसेरे बनाने की तैयारी है। शाजापुर की घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच शाजापुर के मक्सी में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हालात अब काबू में। इस बात की जानकारी आईजी संतोष सिंह ने दी है। मक्सी में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। आईजी ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है और साथ ही बड़े अधिकारी मौके पर तैनात भी हैं। जबलपुर के एक बड़े पब्लिक स्कूल में हॉस्टल वार्डन ने 8वीं की छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ में चोट आ गई है। छात्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। इतना ही नहीं, बच्चे को ठीक से नहीं सुनाई दे रहा। अभिभावकों ने वार्डन के खिलाफ शिकायत की। अब इसके बाद आरोपी वार्डन फरार है। सूरजपुर में चक्रवाती हवाओं ने जमकर तबाही मचाई है। एक अस्पताल समेत कई घरों को इन हवाओं से नुकसान पहुंचा है। मकानों पर लगे कई टेम्पररी शेड उड़ गए हैं। तूफान का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिला प्रशासन नुकसान का जायजा लेने में जुटा है। आगर मालवा में सड़क दुर्घटना से गौवंश को बचाने के लिए हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। बीएचपी और बजरंग दल संगठनों के लोगों ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर गौवंश को बचाने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक ये लोग रात में सड़क पर निकलते हैं, गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाते हैं। इन लोगों के साथ अब स्थानीय लोग भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं।